क्या आप भी स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हो? कहने मतलब यह है पीडीएफ में आपका रोल नंबर नहीं मिल रहा है, मतलब आप पीडीएफ के अंदर रोल नंबर सर्च भी करते हो यार, रोल नंबर आपका नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपको दिक्कत दे रही है। तो करना कुछ नहीं है, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आज मैं आपको दूसरी तरीके से रोल नंबर चेक करना बताऊंगा रिजल्ट, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। स्क्रूटनी का रिजल्ट है ना पीडीएफ के अंतर्गत आप नहीं चेक कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको करना क्या है, गूगल से आपको चेक करना है, मतलब दूसरे तरीके से हम चेक करना बता रहे हैं। तो आपको सबसे पहले सर्च करना क्या है, गूगल पर आपको ये लिखना है मेरे भाई कि सरकारी है ना, सरकारी सरगम, ठीक, या सरकारी रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए पहला वेबसाइट आ गया, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है पहले वाले नंबर पर, है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर आप क्लिक किया, देखिए तो आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, हालांकि आ रहा है, तो 2 मिनट वेट कीजिए, बस 2 सेकेंड। ये तो आपका ये भी आ गया। अब आपको यहाँ पर रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, ये देखिए रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आए ना, ठीक। तो अब ये रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आए तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भैया तो हमारा मेन मकसद क्या है, ये यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12 स्क्रूटनी का रिजल्ट। जी हाँ, आपने सही देखा, ये इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है, ये पहली वाली वेबसाइट पर, ठीक। ये जो आपने बताया है इस पर आपको करना क्या मेरे भाई, इस पर आपको करना क्या है, क्लिक करना, ठीक। तो देखिए जैसे दोस्तों आप क्लिक करा तो आपको ये आपको खुल रहा है, ठीक। तो थोड़ा वेट कीजिए आप बस। तो इस तरीके से आप चेक करिए, अगर आपका भैया नहीं आ रहा है तो नहीं आपको पास दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि हम फेल हैं, क्योंकि अब बहुत बच्चे फेल हुए हैं, ठीक। स्कूटर रिजल्ट में ये 500 रुपये लूट लिए हैं, क्या करोगे भाई। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि चलिए दूसरा तरीका है, क्या लिखा है कि क्लास चेक क्लास 12 रिजल्ट लिंक 1 लिंक 2 हुआ जारी, ठीक। तो किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर दो, बात एक ही है, ठीक। तो हम लिंक 1 पर क्लिक कर देते हैं, चलिए अब इस पर आप आ गया, इसको हटा दीजिए, ठीक। ये क्लोज किया, अब हट जाएगा। अब आपको ध्यान देना मेरे भाई, ठीक। अब आपको ध्यान देना है, ये क्या लिखा है, जनपद है ना, परीक्षा वर्ष, मतलब कौन से जनपद से आप हैं, रोल नंबर आपको डालना है, 2024 तो है ही है, इस पर आपको डाल करके दोस्तों आपको, ठीक, मतलब कहना ये है कि आप किस जनपद, मतलब कौन से ज़िले के हो, कहना मतलब ये है, ज़िला आपको लिखना है, बहुत सारे ज़िले आपको सर्च कर लेना है जो भी आपका, ठीक। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जो भी आप ज़िले से हो, ठीक। तो ये भी आप कहना मतलब समझ गए, यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पर आप किस वर्ष के हैं, 2024 का एक ही ऑप्शन है आया रहा। इसके बाद आपको वेब रिजल्ट पर आपको कर देना ओके, ठीक। तो जैसे आप करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखें रिजल्ट, आपका नंबर नहीं बढ़ा तो इससे साफ जाहिर होता है कि भैया स्कूटनी जो आप करवाए थे वो पैसा बेकार गया है, कोई मतलब नहीं गया है, क्या करोगे, सरकार ही वैसे ही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आखिर आप कुछ पछताने हाथ में आपका है नहीं, तो अब आपको फिर से जगना पड़ेगा, कहने मतलब फिर से आप मेहनत कीजिए, ठीक। तो मेरा आज के वीडियो में ये टॉपिक था कि मैंने आपको दूसरे तरीके से आपको समझा दिया। अब रही बात, अब आपको कोई प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन खाली होता है, कमेंट कर दीजिए, अपना जनपद लिख दीजिए और रोल नंबर लिख दीजिए और अपना स्कूल कोड लिख दीजिए, 3 चीज़ आपको लिखना है। अगर आप अच्छी जानकारी चाहते हो तो अपना मोबाइल नंबर लिख दोगे तो मोबाइल नंबर पर आपको तुरंत जानकारी फोन मिला करके हम दे देंगे, तो मोबाइल नंबर आपको ज़रूर लिख देना है, उससे हम तुरंत जानकारी दे देंगे। तो मेरा मेन टॉपिक क्या था मेरे दोस्तों, आपको दूसरे तरीके से आपको रिजल्ट चेक करना। तो आज मैंने क्या बताया कि अपना रोल नंबर, अपना जनपद और अपना दोस्तों क्या बोलते हैं अरे स्कूल कोड एंड अपना मोबाइल नंबर अगर आप डाल देते हो तो अच्छी से जानकारी मोबाइल फ़ोन पर आपको मिल जाएगी। तब तो ठीक, जैसे दोस्तों मैंने कहना समझ गए। अब कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये सही था।